गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका विषय है संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है, और माहेश्वर शास्त्र का अर्थ होता है शिवजी, यानी कि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया, ठीक है ना। और उससे प्रसन्न होकर जो ध्वनियां निकली, शिवजी के डमरू से जो 14 बार ध्वनियां निकली हैं, और उस ध्वनि से ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। आई उड़ री लिरिक ए ओंग ऐ ओच है वरट लर यमंगलनम झभय घड दस जब गड दस खप छठ थ चट तव कपय सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो स्वर हैं, स्वर इसमें 9 हैं। कौन कौन? आ ई ऊ ल, इसमें ळ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। री री ए ओ ऐ औ, ठीक है ना। ये 9 क्या है? स्वर है, ठीक है ना। और बाकी क्या है? 33 व्यंजन है, ठीक है ना। ओके okay.